हमीरपुर का सदर अस्पताल जिले रेफर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। वहां रात में जिले के प्रभारी मंत्री रविंदर जायसवाल ने औचक निरीक्षण किया, यह देखने के लिए कि रात में डॉक्टर्स ड्यूटी में रहते हैं या नहीं। लेकिन यहां मंत्री जी ने जब मरीजों की शिकायत सुनी तो उनके खुद के होश उड़ गए। बता दें कि यहां जो महिलाएं डिलीवरी के भर्ती हुई है उनसे 4,000 से लेकर 10,000 रुपया तक की रिश्वत ली गई थी। जिस दौरान मंत्री सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे उस दौरान उनके साथ हमीरपुर के जिला अधिकारी और एसपी भी मौजूद थे और इन दोनों अधिकारियों ने भी रिश्वत लेने की बात सुनी, जिस पर मंत्री ने रातों रात जांच कर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। स्टाम्प एवं शुल्क पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल का मानना है कि यह अमानवीय कृत्य है, यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आती है और यहाँ अस्पताल में जंगल राज चल रहा है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। हमीरपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। मैं हमीरपुर जिले का प्रभारी मंत्री हूं। सुबह से हम लोग अलग अलग योजनाओं का बैठक लिया गया, शाम को या रात में, रात को 8 बजे यहां के अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में जिला अधिकारी एसपी सीएमओ साथ में थे कि अस्पताल में क्या चल रहा है, रात में डॉक्टर ड्यूटी पर है कि नहीं है, जो वहाँ पर मरीज़ हैं उनको दवा मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जब मैंने वो निरीक्षण किया तो वहाँ पाया कि कुछ लोग लकड़ी जला करके आग ताप रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा तो बताया कि मेरे घर के महिलाओं को डिलीवरी हुआ है और उनके साथ में हम लोग साथ में बाहर बैठे हुए हैं। उनसे पूछा गया तो बताया कि कोई पैसा लेते हैं क्या, तो लोगों ने कहा है कि हाँ हमसे पैसा लिया जाता है, 7,000 4,000 ऐसे करके। एक प्रतिमा नाम की महिला थी, उन्होंने बताया कि हमसे पैसा लिया गया है। एक रोशनी नाम की महिला थी और एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि अपने घर की महिला को लेके आया डिलीवरी के लिए, उसकी डिलीवरी अस्पताल के कैंपस के अंदर लेकिन कच्छ के बाहर ही हो जाता है और सर में चोट भी हो जाता है। डॉक्टर उससे पैसा मांगती है, यानी कि इतने अमाननीय कृत्य किया है कि अगर डिलीवरी बाहर होती है, चोट लगता है और उसके बाद पैसा मांगती है, जो पैसा ला के देता है तभी ट्रीटमेंट करते हैं, यह अपराध क्षम्य नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी महिलाओं के मातृत्व के लिए तमाम योजना लाए हैं। जब बच्चे गर्भ में आते हैं तब से लेकर के बच्चों के पढ़ाई तक के योजनाएँ हैं और ये अस्पताल जहाँ के मेरा मानना है जंगल की राज किया हुआ है और वहाँ पैसा मांगा गया है, ये अच्छा है। वहाँ पर जिलाधिकारी एस पी सामने कहा कि तत्काल इनके बयान दर्ज कराइए। सभी लोगों का वीडियोग्राफी कराया गया है, SDM मौके पर FIR करवा रहे हैं। अभी FIR अगर कापी हमको रात में ही देंगे, चूँकि लीगलिटी के लिए इन पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए, SDM को दिया गया निर्देश जांच करे और जांच करने के बाद यह दोषी हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। अभी देखो मुख्यमंत्री जी फ्री में बच्चा पैदा कराने के लिए देते हैं, दवा भी देते हैं और उल्टे पैसा आपको देते हैं, खाते में जाता है, यानी प्रोत्साहन राशि आपको देते हैं। जब बच्चा का जन्म होता है तब आपको देते हैं। आपका डिलीवरी फ्री में है, आपका डिलीवरी फ्री में है, आपके लिए खाना भी है, दवा भी है। जिन्होंने ये पैसा ले रहे हैं ये पाप कर रहे हैं और पाप के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो यह पापियों का कमाल आज आपके साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ होगा। कल हो सकता है कि आप अपने दे दिया है, कोई बगल का आदमी इसका शिकार होगा। हम यहाँ के मंत्री हैं, इनको हम जेल भिजवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बयान देना होगा, पिछले बार हम आए थे तो बयान हुआ थे, मैं आज रुका हूँ आपके बयान से। यह पाप अगर रुक जाए तो बयान आपको देना चाहिए। आपके बच्चे का स्वस्थ रहेगा, कुछ होगा नहीं, हम जिम्मा लेते हैं, DM साहब हैं, SP साहब हैं, उससे कुछ दिक्कत होगा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप बयान नहीं दोगे तो यह पापी जेल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। JBD बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।